और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि अभिनेता अरमान कोहली के घर पर छापेमारी की गई है। ड्रग्स केस में एनसीबी की यह छापेमारी है, ड्रग्स केस में एनसीबी की बड़ी छापेमारी, बड़ी कार्रवाई। अरमान को साथ में अपने साथ एनसीबी ले गई है और अब अरमान से पूछताछ भी की जाएगी। एनसीबी की बड़ी कार्रवाई यहां पर, जहां पर न्यूज 18 के आशीष सिंह की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अभिनेता अरमान कोहली के घर पर छापेमारी की गई है। एनसीबी ने अब छापेमारी की है, ड्रग्स केस से जुड़ी हुई ये छापेमारी मानी जा रही है और अब अभिनेता अरमान कोहली को ले गई है एनसीबी अपने साथ और आप पूछताछ भी उनसे की जाएगी। और मुंबई से आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी, इस पूरे मामले में जो ऑपरेशन ऑपरेट किया गया था एनसीबी की तरफ से, उसमें एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तारी आज तड़के सुबह हुई थी और उससे जो है कहीं ना कहीं अरमान कोहली से जुड़े हुए सुराग जो है एनसीबी को मिले, जिसके बाद आज दोपहर को एनसीबी की टीम ने जो है इस ड्रग पेडलर्स के साथ मिलकर जो है अरमान कोहली के घर पर छापेमारी की। समीर वानखेड़े जो कि जोनल डायरेक्टर है, वो और उनकी पूरी टीम ने जो है अरमान कोहली के घर पर छापेमारी की और इसके बाद जो है अरमान कोहली को अब हिरासत में लेकर जो है जोनल ऑफिस लेके जाया जा रहा है, जहां पर उनसे रात भर पूछताछ करने की एनसीबी टीम तैयारी में जुटी है। कहीं ना कहीं अहम सुराग जो है वो एनसीबी के हाथ लगे हैं, जिसके मद्देनजर अरमान कोहली को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। जी, और इस पर अरमान कोहली की भी क्या प्रतिक्रिया सामने आई है आशीष? जी, दोपहर के करीब जो है एनसीबी की जो छापेमारी हुई, तो उस दौरान से लेकर अब तक केवल अरमान कोहली के बंगलों में, जुहू के जो बंगलों है वहां पर उनसे केवल रेड कंडक्ट की गई और इससे अलावा उनसे पूछताछ की जाती रही, लिहाजा अभी तक उनकी तरफ से कोई पक्ष जो है वो सामने नहीं आया है। फिलहाल जो है जी पूछताछ जारी है और चीजें जो है आज रात तक साफ हो पाएंगी। और अरमान कोहली के किन किन ठिकानों पर एनसीबी की छापेमारी की गई है आशीष? आवाज अरमान कोहली के बंगलों पर, जो जुहू तारा स्थित रोड है उनका बंगलो जो है, वहां पर जो है ये छापेमारी की गई है। सबसे अहम बात यह है कि पहले एक ड्रग्स पेडलर की निशानदेही लगातार एनसीबी कर रही थी और लगातार 15 जो एनसीबी ने जो ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार किए थे, उन ड्रग पेडलर्स में से एक ड्रग पेडलर्स की निशानदेही के बाद जो है अरमान कोहली के घर पे आज दोपहर तकरीबन 2 बजे के करीब एनसीबी की टीम पहुंची। 11 अधिकारियों की टीम जो है लगातार उनके घर पे सर्च ऑपरेशन करती रही। हालांकि अब तक एनसीबी का साफ तौर पर कहना है कि ऑपरेशन जारी था, लिहाजा अब तक सर्च में उनके घर से क्या बरामद किया गया है इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती। साथ ही साथ अरमान कोहली से खुद जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पहुंचकर पूछताछ करने में जुटे हुए थे। पूछताछ के बाद आखिरकार जब सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला है, तो उसके बाद एनसीबी की टीम ने जो है उन्हें हिरासत में लिया है और सीधे उनके घर से लेकर उन्हें जोनल दफ्तर लेके गई है। लिहाजा पूछताछ रात भर तक जारी रहेगी और ऐसे में अरमान कोहली के ऊपर कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की भी तलवार लटकती हुई फिलहाल दिख रही है। बिल्कुल, यानी कि अब यहाँ पर अरमान कोहली की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। एनसीबी ने अरमान कोहली को पकड़ लिया है और फिलहाल अब उनसे पूछताछ की जाएगी।